तो गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि भैया न्यू कैरम पास की अनबॉक्सिंग की वीडियो लाइए। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम कैरम पास की फुल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे फ्रेम वगैरह यूज़ करके नॉर्मल वाला फ्रेम और प्रीमियम फ्रेम किस तरीके का लगता है और कौन कौन सा लीजेंडरी स्ट्राइकर ओपन होता है या फिर से सब कुछ रिपीट होता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ गाइस देखिए, आप सबको पता है अभी कैरम पूल में जो ऑफ़र चल रहा था उसमें साइबर सिटी का टेबल चल रहा था, तो वो अब एंड हो चुका है। अब उसके बाद देखिए बेंगलोर स्ट्रीट का टेबल आ चुका है, तो इसमें भी देखिए जो लीजेंडरी स्ट्राइकर आपके बचे हुए थे, मतलब जो लोग जिन लोगों ने नहीं लिया था, जैसे रंगोली स्ट्राइकर था और भी स्ट्राइकर था एक दो, तो जिन लोगों ने नहीं कलेक्ट कर पाए थे किसी वजह से, तो आप इसको फिर से कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्पिन में भी उसका ऑप्शन है कलेक्ट करने का। उसके साथ साथ आप ये टेबल खेलेंगे तो इसमें जो चेस्ट मिलेगा उसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज ये जो न्यू ट्रेल है गोल्ड फायर वाली, ये दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज़ करके गेम प्ले भी किया है तो काफ़ी शानदार लग रही है, क्योंकि जब कैरम पास आया था तो दिखने में लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी लगेगी बोर्ड पे, पर काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए यहाँ पर मेन रिवॉर्ड कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कुछ ओपन होता है या फिर नहीं ओपन होता है। और गाइज ये जो कैरम पास था इसमें मुझे दो चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त लगी, एक इसमें जो ट्रेल थी वो काफ़ी ज़बरदस्त लगी और दूसरा जो फ्रेम था इसका, क्योंकि ये फ्रेम बिल्कुल नए लुक पे था और ये जनरली प्रीमियम प्लस वाले में ऐसा फ्रेम मिलता है, लेकिन इस बार इन्होंने नॉर्मल में ही इतना अच्छा फ्रेम दे दिया और जो प्रीमियम वाला फ्रेम है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दोनों यूज़ करके दिखाता हूँ, मुझे नॉर्मल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये दो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस कैरम पास में, बाकी आप बताइएगा आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेम काफ़ी यूनिक और काफ़ी ज़बरदस्त है। और हाँ गाइस देखिए, काफ़ी सारे लोग ये भी पूछे थे कि डिस्को जो लीजेंडरी स्ट्राइकर है वो मतलब कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अभी उसके कुछ ही पीसेस मिले हैं। तो अभी आपको पता है कि इसके बाद अभी एनिमेटेड अवतार भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, उसके बाद एनिमेटेड फ्रेम भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा और पक भी आपको मिल चुकी है बिल्कुल फ्री में। तो हर हफ्ते ये रिफ्रेश होगा, रिवॉर्ड और इवेंट वही रहेगा, तो उसमें आपको ये निकलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ये मिल जाएगा डिस्को लीजेंडरी स्ट्राइकर बिल्कुल फ्री में और इसके पीसेस भी मिलेंगे। हो सकता है आप इसको अपडेट या मैक्स भी कर लें। तो अभी ये आता रहेगा इवेंट, क्योंकि अभी एक एंड होगा फिर उसके बाद दूसरा आएगा, फिर दूसरा एंड होगा फिर तीसरा आएगा, इसी तरीके से सारे इवेंट आएंगे लगातार, फिर जिसका मिस हो जाएगा लास्ट में फिर द लास्ट कॉल के नाम से ऑफ़र आएगा, तो उसमें आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फ्री नहीं होगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। तो बेहतर यही होगा कि आप ये सारे रिवॉर्ड्स अभी कलेक्ट कर लीजिए जो जो आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि वरना बाद में अगर आपका मिस हुआ तो फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला लीजेंडरी बॉक्स ओपन किया तो उसमें नए स्ट्राइकर के पॉइंट्स मिले जो कि काफ़ी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया, विंग्स स्ट्राइकर के पीसेस मिले, ये ऑलरेडी ओपन है। तो चलिए अब तीसरा बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कुछ निकलता है या फिर नहीं निकलता है, क्योंकि गाइस कैरम पास में यही प्रॉब्लम है, जो जितने भी बॉक्सेस होते हैं उसमें सारे जो स्ट्राइकर ओपन है वही सब रिपीट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोप्स स्ट्राइकर रिपीट हो गया। तो चलिए अब चौथा बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें कुछ नया ओपन होता है या फिर इसमें भी रिपीट हो जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे स्ट्राइकर रिपीट हो जाते हैं जो ऑलरेडी ओपन है। देखिए यहाँ पे एस्टेक भी रिपीट हो गया, तो ये भी ऑलरेडी ओपन है। तो जो नए स्ट्राइकर उसके पॉइंट्स बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहे कैरम पास में। अब चलिए लास्ट वाला बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ ओपन होता है या फिर ये भी वेस्ट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरा वेस्ट चला गया, अजना स्ट्राइकर के पॉइंट्स निकल आए। तो सिर्फ एक बॉक्स में नए स्ट्राइकर के पॉइंट्स मिले, बाकी सब रिपीट हो गया। तो चलिए यहाँ पे फ्रेम और अवतार वगैरह यूज़ करके देख लेते हैं किस तरीके का लगता है ये प्रोफाइल पे। और बाकी गाइस मैंने आपको बताया था इलाही स्ट्राइकर आपका गोल्डन वाले बॉक्स में फ्रेंजी के निकलेगा स्पिन करने पर। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मेरा ओपन भी हो चुका, मैंने अभी गेम प्ले भी आपको करके दिखाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल वाला फ्रेम काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए प्रीमियम वाला भी ठीक है, पर लेकिन नॉर्मल वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक लुक में है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखिए अवतार जो मिले हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं इस बार के, क्योंकि पिछले वाले अवतार इससे बेहतर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइव वाला लगा के उसके बाद देखिए कि ये अवतार थोड़ा ठीक है, बाकी ये देखिए ये अजीब सा कोई अवतार है। गाइस मैंने पांच अवतार आपको दिखाए थे, तीन तो कैरम पास में मिल गया, एक एनिमेटेड आपको ऑफर में बिल्कुल फ्री मिलेगा, चार हो गया और एक जो बचा था वो आपको कम्युनिटी गिव अवे में मिलेगा। जी हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर। तो ये पाँच अवतार आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे इलाही स्ट्राइकर मेरा ओपन हो चुका था। तो यहाँ पे आप इसका एम, टाइमिंग, फोर्स सब कुछ देख सकते हैं और आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। रमज़ान जैकपॉट पे जो फ्रेंजी वाला बॉक्स मिलेगा उसी में ये आपका ओपन होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।